हेलो गाइस, मेरा नाम है देवाशीष और आप देख रहे हैं टेक्टो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप के कुछ वायरल मैसेजेस के बारे में। तो दोस्तों, आपके पास भी एक मैसेज आया होगा, डोंट टच शेयर अदरवाइज योर व्हाट्सएप विल बी हैंग। तो मैसेज क्या है, कहाँ से आया है और कैसे काम करता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक। तो मैंने भी वो मैसेज के ऊपर टच किया तो मेरा फोन भी हैंग हो गया। तो कैसे काम करता है सभी सोचते हैं। ये कितने लोगों का कहना है कि ये व्हाट्सएप हैकर मैसेज भेजता है आपके फोन को हैक करने के लिए, और कितने लोग भेजते हैं कि ये वायरस है, इसको टच मत करो। तो बाकी ये क्या है, तो बाकी ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक बग है, या फिर आपको कह सकते हैं कि व्हाट्सएप सिर्फ 6600 कैरेक्टर का आपका टेस्ट सपोर्ट करता है। पर ये जो आपको दिख रहा है ना, डोंट टच हियर अदरवाइज योर व्हाट्सएप विल बी हैंग, ये लगता है छोटा कैरेक्टर है, पर आपको अगर ये आप इसको HTML में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे कोड लैंग्वेज आएंगे, तो वो व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करता। तो व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करता है तो आपका व्हाट्सएप हैंग हो जाता है। सिंपली सी बात है दोस्तों, कुछ इसमें वायरस कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक कोडेक फॉर्म है जो कि मजे के लिए भेजा जाता है। आप इसको डरिए मत, 2 मिनट के बाद आपके व्हाट्सएप फिर से चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा मैसेज पिछले 2 ईयर्स पहले आपको एक स्टिकर्स वाले भी आते थे, इमोजी वाले ज्यादा इमोजी वाले कुछ कोई भेज देता तो आपका व्हाट्सएप भी हैंग हो जाता था, वो भी ऐसा ही काम करता था। 6600 ध्यान में रखिए, 6600 से कैरेक्टर ज्यादा होने से आपका व्हाट्सएप और काम नहीं करेगा, मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। व्हाट्सएप कहता है कि 6600 के कैरेक्टर के अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं, टेस्ट भेजते हैं अपने दोस्तों को, फिर किसी को भी, तो आपका व्हाट्सएप वो काम करेगा। 6600 से ज्यादा करने से व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करता। तो छोटा सा चीज था दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।